हेलो एवरीवन, आज है 11 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, 36 रुपए का ये शेयर है, आज भी 2% की रैली हमें देखने को मिली है और कल इस कंपनी के Q2 के नतीजे भी आए हैं। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन नतीजों के बारे में और हाल फिलहाल में एनसीसी लिमिटेड का शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस और वहां पर मैं आपको जो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा, जो बड़ी बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने किन किन शेयर्स में खरीदारी करने की सलाह दी है वो भी मैं आपको वहां पर अपडेट करता रहता हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं एनसीसी लिमिटेड की। तो 36 रुपए का ये शेयर है, पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 9% की तेजी देखने को मिली है और आप देखिए बढ़िया रिकवरी आई है। 31 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में सीधा 36 रुपए तक पहुंचा है, अच्छी खासी रैली है और अब ये रैली रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक साल में देखेंगे तो एक साल में 36% की अभी भी गिरावट है, लेकिन धीरे धीरे शेयर जो है वो प्री कोविड लेवल तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कोरोना से पहले ये शेयर 60 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था, कोविड आया 16 रुपए तक टूट गया और ये वो लेवल से जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअसली अपडेट कर रहा था और खरीदारी करने की सलाह दे रहा था। चाहे शेयर 17 पे हो, 18 पे हो, 19 पे हो, 20, 25, 30, 35 तक भी मैंने आपको बाइंग की एडवाइस दी है और मैंने कहा है कि तेजी आपको देखने को मिलेगी और डेफिनेटली ये शेयर में उतना पोटेंशियल है कि दोबारा प्री कोविड लेवल तक ये पहुंच सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 साल का जो इसका चार्ट है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, जब भी बड़ी गिरावट आई है दोबारा से एक बड़ा बाउंस बैक इस कंपनी ने दिखाया है। 140 रुपए तक का हाई भी है, 11 रुपए तक का लो भी है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और जब बड़ी तेजी आती है गिरावट भी है, लेकिन कुछ बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ी रैली भी हमें देखने को जरूर मिली है यहाँ पर। और तो और, अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्मॉल कैप शेयर है ये, 2,265 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखने जाए तो 1,31,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और तो और, अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो प्रमोटर ने अच्छी खासी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। अब देखिए, 19.68% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.37% की इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एफआईएस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, 9.80% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड के पास 12.22% की होल्डिंग देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम है, वो है रेखा झुंझुनवाला, जो राकेश झुंझुनवाला जी की वाइफ है। मतलब झुंझुनवाला फैमिली की होल्डिंग 10.24% है और काफी बड़ी होल्डिंग है ये, और सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी किया था, जब उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था 45,00,000 नए शेयर्स उन्होंने उस वक्त खरीदे थे, और जब भी खरीदे थे उस वक्त मैंने आपको अपडेट करके बताया भी था कि बहुत बड़ी होल्डिंग राकेश झुंझुनवाला जी की तरफ से खरीदी गई है एनसीसी लिमिटेड में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 49% से भी ज्यादा की देखने को मिली है, 10% का डिविडेंड पे कर रहा है ये शेयर, मतलब पर शेयर आपको 20 पैसा डिविडेंड मिल रहा है। एनसीसी लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी बनी हुई है, अभी भी तेजी देखने को मिलेगी ऐसा मानना है, और अभी भी शेयर बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल भी है। 7.08 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.74 है, बुक वैल्यू 83 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.44 है, ईपीएस 5.21 है और डिलीवरीज 33 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 11% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, मतलब 96% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है और ये वाकई में बहुत 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 अच्छी बात है। सिर्फ 4% लोग ही है जो आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। अब बात करेंगे Q2 रिजल्ट्स के, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि Q2 रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, एवरेज आएंगे, एटलीस्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छा आ सकते हैं। रीजन ये था कि जून क्वार्टर में 17 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया था, वो भी ऐसे क्वार्टर में जब लॉकडाउन लगा था और सारा कामकाज बंद था, ऐसे में भी इस कंपनी ने 17 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। तो डेफिनेटली जब अनलॉक के फेज में हम लोग आ चुके थे तो मुनाफा तो बढ़ना ही था और वही हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 69 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने Q2 में कमाया है
और ये बहुत अच्छी बात है। और दिसंबर में और प्रॉफिट बढ़ेंगे इसका भी अनुमान अभी से लगाया जा रहा है, और ऐसा मुझे लगता है कि दिसंबर में और प्रॉफिट्स इनके बढ़ने चाहिए, 80-90 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट होने चाहिए दिसंबर क्वार्टर में। और मुझे लगता है कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि डेफिनेटली कंपनी ग्रो कर रही है कोविड के चलते। हालांकि हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला जरूर था, लेकिन अब अनलॉक का फेज आ चुका है और डेफिनेटली एक अच्छा प्रदर्शन कंपनी आने वाले दिनों में भी कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए 18% की होल्डिंग तकरीबन 20% तक पहुंच चुकी है, बहुत अच्छी बात है ये। उसके साथ साथ जो 36% की होल्डिंग गिर भी थी, आज 26% की होल्डिंग गिर भी है। तो ये भी अच्छी बात है कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो गिरवी शेयर्स थे उसको छुड़ा भी रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि एफआईएस अपनी होल्डिंग को यहाँ पर डाउन कर रहे हैं, एफआईएस कंटिन्यूअसली बिकवाली कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर बिकवाली का ही रुख अपनाया हुआ है। लेकिन फिर भी एनसीसी मुझे लगता है कि आने वाले दिन में एक अच्छी पोजिशन पर पहुंच सकता है। अभी भी कंपनी में दम है कि प्री कोविड लेवल तक ये पहुंच सकता है। प्री कोविड लेवल मतलब 60 रुपए तक ये शेयर अभी भी लॉन्ग टर्म में जा सकता है। तो मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है, और आप और अगर आप में पेशेंस है कि आप 1-1.5 साल तक रुक सकते हैं तो बने रहे, तो बने रहे यहाँ पर। और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो, लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा कहा है एनसीसी लिमिटेड के शेयर में कि आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन एक ही प्राइस में बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती भी मत करना। जैसे कि अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो ऐसा मत कर लेना कि 36 रुपए पर आपने 500 शेयर खरीद लिए, वेट करो। अगर आपको खरीदारी करनी है तो पहले पहले 100 शेयर खरीदो, अगर गिरावट आए और 100 क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट आए तो और 100 क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो आपको आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, और तभी खरीदारी करें जब आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का हो, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ी अवॉइड करने की सलाह रहेगी मेरी, लेकिन अगर आपका नजरिया 1-1.5 साल का है तो एनसीसी लिमिटेड डेफिनेटली आपको बढ़िया रिटर्न देने का काम कर सकता है आने वाले दिनों में। और खास करके मुझे लगता है कि जो नई सेबी की जो नई गाइडलाइन है कि जो बड़े बड़े फंड हाउसेज को एक बड़ा 25% की जो होल्डिंग है वो स्मॉल कैप में लगानी होगी और 25% मिड कैप में लगानी होगी, तो इससे जो उन कंपनियों को फायदा होगा स्मॉल कैप में जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है और बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती है आने वाले दिन में। और डेफिनेटली एनसीसी उन्हीं कंपनियों के लिस्ट में आती है, तो इसीलिए एक अच्छी और दमदार कंपनी जरूर है, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल भी है और आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और अच्छे आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। हालांकि क्वार्टर टू के जो नतीजे हैं उसको मैं एवरेज कहूंगा, मैं उसको इतने बेहतर नहीं कहूंगा, उसको मैं एवरेज कहूंगा, लेकिन फिर भी आने वाला जो फ्यूचर का रोड मैप है वो सब मुझे इसका थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है, तो इसलिए बने रहने की सलाह मेरी यहाँ पर जरूर रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनसीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।